हद तक चले जाएंगे। दुनिया में हर चीज बड़ी आसानी से मिल जाती है, सोच भी नहीं सकता था। रिश्तों में सिर्फ हकी तो नहीं होता रहा। मुदस्सिर को हरीम बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगेगी। उसका पुरखलूस हमदर्द लहजा उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल होगा। यहाँ पर मुदस्सिर हरीम की तारीफ करेगा कि रुपया पैसा दौलत तो हर जगह मिल जाती है, मगर पुरखलूस रिश्ते कभी भी इतनी आसानी से नहीं मिलते। हरीम जैसी पुरखलूस और हमदर्द लड़की उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ही देखी है। जिस कदर वो उसकी तारीफ़ करेगा, हरीम को लगेगा कि काश ये सारा कुछ फ़ायज़ भी उसके बारे में सोच सकता। फ़ायज़ तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के ही कंट्रोल में है। फ़ायज़ जब अपनी माँ को बताएगा कि रियान ने किस तरह उसके बाप के सिग्नेचर और थंबनेल इस्तेमाल करते हुए सारा कुछ बेच डाला है, तो वो भी परेशान हो जाएंगी। फ़ायज़ जब रियान से इस बारे में बात करेगा तो रियान आगे से उसे टका सा जवाब दे देगा कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा कर लेना चाहिए। बाबा तो इतनी आसानी से सारा कुछ मेरे नाम करने वाले थे नहीं, लिहाजा मैंने सारा कुछ खुद ही वसूल कर लिया। यहाँ पर रियान ने जिस तरह कहकशां को धोखा दिया है, वो तो ये बात कभी सोच भी नहीं सकती थी। उसे लगता था कि रियान उसके इशारों पर चलता है, मगर रियान ने आमना के साथ मिलकर उसके साथ जो कुछ किया, अब उसे अंदाज़ा हो चुका कि उसने हरीम के साथ बहुत गलत किया। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें।